नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप पे हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फौजी बनना कोई मजाक नहीं। गांव का कोई लड़का जब सेना का जवान बनने का सपना देखता है तो उसकी सुबह 4 बजे होती है। उठते ही गाँव की पगडंडियों पर दौड़ लगाता है और उम्र यही 16-17 वर्ष की होती है। चेहरे पर मासूमियत होती है और कंधे पर होती है घर की जिम्मेदारी। माध्यम वर्ग का वह लड़का जो सेना में जाने के लिए दिन रात एक कर देता है, उसके इस एक सपने से घर में बैठी जवान बहन, बूढ़ी माँ और समय के साथ कमजोर होते पिता की ढेरों उम्मीदें ही नहीं जुड़ी होती है, बल्कि जुड़ा होता है एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज। फौजी बनना कोई मजाक नहीं है। फौजी इस देश की शान और मान है और हमारा अभिमान है। देश सेवा के लिए फौजी हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें न प्रांत से मतलब है और न ही धर्म से, इन्हें तो मतलब है बस अपने देश से। ऐसे इल्जाम मत लगाओ इन पर, ये सर कटा सकते हैं मगर माँ भारती की दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। कैसे विकास हो उस देश का जहां 1.5 लाख सैलरी हर महीना पाने वाले सांसदों की सैलरी इनकम टैक्स फ्री और 24 घंटे मौत की छांव में रहने वाले सिपाही को 20,000 सैलरी पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। सांसदों को परिवार के साथ रहते हुए भी हर साल 50,000 फोन कॉल फ्री, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे सैनिक को एक कॉल भी फ्री नहीं। एक सांसद को फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए, बॉर्डर पर सैनिक को ड्यूटी के दौरान बारिश से बचने के लिए टूटी हुई छप्पर, सांसद को हर साल 34 हवाई टिकट मुफ्त, सैनिक ड्यूटी जाते हुए भी अपने पैसे से टिकट लेता है, सांसद को वाहन के लिए 4 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन, एक सैनिक को घर के लिए लोन भी 12.55% दर से मिलता है। और ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ पूरा देश इस सैनिक की वजह से अपने परिवार के साथ चैन से सोता है। एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ रेडियो पे सुना इंडिया जीत गई, जो खेल रहे थे उन्हें 1 करोड़ रुपया मिला। माँ बोली, हाँ बेटी, सरकार कहती है वो देश के लिए खेल रहे थे इसलिए। बेटी माँ से बोली, आसमान में हेलीकॉप्टर से लटकते जवान को देख के माँ क्या इन्हें भी मिलेगा 1 करोड़। माँ बोली, ना बेटी ना, हमारे यहाँ बल्ले से खेलने वाले को इनाम मिलता है, जान से खेलने वाले को नहीं। उपरोक्त विचार अगर हृदय को स्पर्श करे तो निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर तो कर ही देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।